अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह आज भी प्रॉपर्टी एक्सचेंज आपके लिए एक बहुत ही शानदार और खूबसूरत बना हुआ विला प्रिसेंट रेट के अंदर एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पर कंस्ट्रक्टेड है। आपको मैं इसकी लोकेशन दिखाऊं तो ये इसकी मेन एंट्रेंस है पेरियटाउन कराची प्रिसेंट 8 की। प्रिसेंट 8 की बिल्कुल मेन एंट्रेंस के साथ इसकी लोकेशन है। कॉर्नर पर कंस्ट्रक्टेड ये विला है। इसकी साइज़ की बात करता चलूँ तो 290 स्क्वायर यार्ड्स 290 गज पर ये कंस्ट्रक्टेड कॉर्नर का विला। एक्स्ट्रा लैंड इसके अंदर मौजूद है। एक्स्ट्रा लैंड के साथ आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको एक अपना बहुत ही बड़ा एक अच्छे साइज़ में आपको गार्डन मिल जाता है। गार्डन में आपको इसका एक्सटीरियर लॉन जो दिखाऊं तो वही आप देख सकते हैं कि इसका एक्सटीरियर लॉन कुछ इस तरह का आपको साइज़ देखने को मिलता है। ये इसका पूरा साइज़ है जो पूरे घर तक आपको साइड पर कॉर्नर की वजह से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका लॉन मेन गेट से एंट्रेंस करते हैं और आपको कार पोर्च का आपको व्यू देते हैं। तो ये इसका कार पोर्च का व्यू देखते चलें। एक बड़ी गाड़ी आपकी इजीली पार्क हो सकती है। विला के अंदर एंट्रेंस करने से पहले मैं आपको इसको ये दिखाता चलूँ कि आप इसकी जो डोर्स की वुड क्वालिटी है वो आप देखें। जो डोर हैंडल्स यूज़ किए गए हैं बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के आपको डोर हैंडल्स यूज़ करके दिए गए। नीचे टाइल वर्क देखते चलें और ऊपर जो सीलिंग डिज़ाइन है उसको भी आप एक नज़र देखें। अंदर चलते हैं तो इस साइड से आपको जो है आप इसको डबल यूनिट घर बना सकते हैं। आपको एक साइड से आपको अगर आपने इसको ऊपर अपर फ्लोर जो है वो रेंट पर देना चाहते हैं दो फैमिली से आपकी तो उस हिसाब से आप यहाँ पर आपको स्टेयर्स दी गई हैं। इस फ्लोर से एंट्रेंस करते हैं तो आपको एक सेपरेट एरिया दिया गया जो आपको यहाँ पर ड्राइंग रूम का आप एरिया है। ड्राइंग रूम में आपको आपकी स्पेस दिखाता चलूँ तो आपको बाहर विंडो से जो व्यू देखने को मिलेगा वो आपको आपके एम्पेरिया हाइट्स का और मेन रोड से आपको जो व्यू है वो आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। आपको मैं दिखा दूँ ये आप व्यू देख सकते हैं कि आपको एम्पेरिया हाइट्स के बिल्कुल सामने इसकी लोकेशन देखने को मिल रही है। इधर आपको एक स्लाइडिंग डोर दिया गया। ड्राइंग रूम से एग्जिट करते हैं तो आपको एक टीवी लाउंज का एरिया ये इस तरह का देखने को मिलेगा। ऊपर सीलिंग डिज़ाइन की बात करें तो सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट में। उसके बाद फैन इंस्टॉल्ड है। जो आपकी मीडिया वॉल है उसको कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया वॉलपेपर के साथ। ब्लैक एंड गोल्डन कलर में ये वॉलपेपर है जो आप देख सकते हैं। टीवी लाउंज के बिल्कुल सामने आपको जो है आपका किचन देखने को मिलता है। किचन ओपन किचन रखा गया। किचन में आपको दिखाता हूँ किसके अंदर अप्लाइंसेज जो है किचन अप्लाइंसेज वो सारी इंस्टॉल्ड है आपको इसके साथ देखने को मिलती हैं। उसके साथ ही आपको जो स्टोव है और एग्जॉस्ट हुड है वो आपको इंपोर्टेड कंपनीज मैं आपको उसकी कंपनीज भी दिखा देता हूँ तो आप देखते चलें कि आप देख सकते हैं स्टील लाइन और उसके साथ ही स्टील लाइन का ही आपको जो स्टोव है वो भी आपको देखने को मिलता है। कलर स्कीम आप चेक कर सकते हैं। कलर स्कीम की जो रखी गई है बेसिकली वो आप पूरा किचन का ओवरव्यू आप अभी देख सकते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा था कि आपको इसके अंदर माइक्रोवेव और बेकिंग ओवन जो है वो इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। टीवी लाउंज का भी आपको मैंने ओवरव्यू दिया। टीवी लाउंज के बाद इसके हम लोग बेडरूम का इनसाइड टूर करते हैं। बेडरूम से बेसिकली जो ग्राउंड फ्लोर पर बेडरूम दिए गए हैं वो तीन बेडरूम्स दिए गए। टोटल थ्री बेडरूम्स ऑन ग्राउंड फ्लोर। नीचे टाइल वर्क आप देखें। इस साइड पर आपकी वार्डरोब्स को वाइट में रखा गया। ऊपर उसके ऊपर पेपर अभी लगा हुआ है जिसकी वजह से ब्लू पेपर आपको वो ब्लू कलर में आपको देखने को मिलेगी। ऊपर फैन इंस्टॉल्ड है। सीलिंग डिज़ाइन ब्लैक एंड वाइट में। वॉशरूम में आते हैं तो वॉशरूम में ग्रेनाइट का बहुत यूज़ किया गया। ग्रेनाइट में आपको कंबोर्ड जो है वो आप इस तरह इस साइड पर देखेंगे। उसके बाद वैनिटी जो आपकी टोटल आपकी ग्रेनाइट में बनाई है। एग्जॉस्ट इंस्टॉल्ड है। बेडरूम से बाहर चलते हैं तो दूसरी साइड पर हम इसके जो बाकी के दो बेडरूम्स है ग्राउंड फ्लोर पर उसका विजिट करते हैं। तो ये आपका जो दूसरा बेडरूम है उसके अंदर से भी आपको सेम बैरिया हाइट्स का व्यू देखने को मिलेगा। कॉर्नर की वजह से आपको बहुत इसके अंदर कुछ याद देखने को मिलेगी। ये आपको मैं दोबारा से सर लुक दिखाऊँ तो ये आपको बाहर से इस बेडरूम से व्यू देखने को मिलेगा। और जो आपकी विंडोज़ है वो टिंटेड है। आपको बाहर से कोई भी आपको अंदर नहीं देख सकता। सेकेंड बेडरूम और सेकेंड वॉशरूम आप देखते चले तो इसमें जो है वो डिफरेंट कलर स्कीम के साथ वैनिटी आपकी बनाई गई है और मिरर इंस्टॉल्ड है। एग्जॉस्ट इंस्टॉल्ड है। इसके अंदर जो है वॉल हैंगिंग बोर्ड है। शॉवर एरिया जो है वो सेपरेट किया गया। आप देख सकते हैं ग्लास के मदद से इसको कैबिन बनाया गया उसको सेपरेट किया गया। सेकंड बेडरूम भी हमने आपको दिखाया। उसके बाद हम इसके लास्ट बेडरूम जो ग्राउंड फ्लोर पर है उसको दिखा दें। तो ये इसका जो है वो लास्ट ग्राउंड फ्लोर पर बेडरूम है। थर्ड बेडरूम। टोटल थ्री बेडरूम्स हैं। आप ये लास्ट बेडरूम है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
इस बेडरूम से जो आपको व्यू है वो बाहर का ही आपको कॉरिडोर का लॉन्ड्री एरिया का व्यू देखने को मिलेगा। वार्डरोब्स बेडरूम में ही बनाई गई हैं, उसका भी आप देख सकते हैं। वॉशरूम में आपको सेम फर्स्ट बेडरूम जैसा आपको जो काम करके दिया गया ब्लैक ग्रीन नाइट में, आपको इसकी वैनिटी की लुक है, मिरर इंस्टॉल्ड है, एग्जॉस्ट इंस्टॉल्ड है, और इस साइड पर आपका जो शॉवर एरिया है, वॉल हैंगिंग बोर्ड भी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। ग्राउंड फ्लोर का जो विजिट है वो हमने आपको करवा दिया, अब हम इसके फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। आगे आते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक सेपरेट करने के लिए आपकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर भी एक डोर बनाया गया है। फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर स्कीम के साथ टीवी अनाउंस दिया गया फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद है, और हम आपको इसका जो ड्राइंग रूम है वो दिखा रहे हैं। ड्राइंग रूम में आपको जो कलर स्कीम है मैं आपको बताता चलूँ कि टोटल घर में सीलिंग डिज़ाइन जो है वो आपको ब्लैक एंड वाइट में रखी गई है, और जो काम इधर किया गया बहुत ही ए प्लस कंस्ट्रक्शन का काम किया गया। ऊपर फैन आप देख सकते हैं, और ये वॉल पेंटिंग जो है डेकोरेशन करके दी गई आपको। उसके साथ यहाँ पे जो स्लाइडिंग डोर है एज सेम नीचे जैसे मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर पर दिखाया ड्राइंग रूम, वैसे ही आपको स्लाइडिंग डोर यहाँ पर बनाया गया। इसके टीवी लाउंज में एंट्रेंस करते हैं तो टीवी लाउंज में जो नीचे मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर पर दिखाया था तो ब्लैक एंड गोल्डन कलर में यहाँ पर आपको वॉल पेपर लगाया गया था, लेकिन यहाँ पर जो है डिफरेंट कलर में ब्लू एंड ब्लैक एंड वाइट सॉरी ब्लू ब्लैक एंड गोल्डन में यहाँ पर जो है वो कलर स्कीम इसकी रखी गई टीवी लाउंज की। ऊपर सीलिंग डिजाइन इसकी आप देखें, और ये आपका टीवी लाउंज का व्यू है। किचन की बात करें तो उसी साइज में जैसे आपको ग्राउंड फ्लोर पर किचन दिया गया था उसी मटेरियल के साथ सेम आपको क्वालिटी के साथ अप्लायंसेस के साथ वैसा ही आपको किचन तैयार करके दिया गया फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। अप्लायंसेस आप देख सकते हैं इसके अंदर स्टील लाइन की जो है अप्लायंसेस इंस्टॉल की गई हैं। एग्जॉस्ट हुड और स्टोव जो है वो इंस्टॉल्ड है स्टील लाइन कंपनी का। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी डिश वॉशिंग एरिया यहाँ पर है, सिंक आप देख सकते हैं। इस किचन को भी ओपन रखा गया और सामने ही आपको जो है टीवी लाउंज वो भी आप इसका अभी लुक देख रहे हैं। मीडिया वॉल आपकी इस वॉल पे डिज़ाइन होगी, और फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम आपको थ्री बेडरूम्स बनाए गए हैं। थ्री बेडरूम्स की बात करें तो सेम साइज जैसे आपको फर्स्ट फ्लोर पर दिया गया था ग्राउंड फ्लोर पर दिया गया था वैसे ही आपको यहाँ पर भी साइज देखने को मिल रहा है। ये आपकी वार्डरोब सीलिंग डिज़ाइन, सेकंड बेडरूम की लुक की बात करें तो इसकी टाइल वर्क यहाँ पर भी कंप्लीट है, पूरा घर रेडी टू मूव है। सेकेंड बेडरूम भी कंप्लीट, आपको हम इसका लास्ट बेडरूम और उसके बाद हम आपको इसका टेरेस का जो व्यू है बाहर से आपको दिखाएंगे कि इस घर से आपको बाहर का व्यू जो है वो कैसा देखने को मिलेगा। इसका लास्ट बेडरूम है, सिक्स बेडरूम टोटल इस घर में जो है वो बनाए गए हैं। डिमांड इस घर की जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दी जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो उसके साथ कमेंट जरूर लिख दीजिएगा। ये इस बेडरूम के अंदर ही आपको वार्डरोब बना कर दी गई है, और इसके सामने ही आपको आपका अटैच बाथरूम, एग्जॉस्ट इंस्टॉल्ड है, साथ में आपका जो कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया वो आपको मैंने दिखाया कि वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्क कितनी अच्छी फिनिशिंग इस घर की हुई है, बहुत अच्छी काम के साथ बहुत अच्छी लेबर ने इसका काम किया है। तो उसके बाद हम इसका आपको जो टेरेस का व्यू है वो दिखाते चलते हैं। ये इसका टेरेस है, टेरेस का साइज़ आपको मैं दिखाता चलूँ तो आप दोबारा देख सकते हैं कि इस वॉल पे जो डिज़ाइनिंग की गई है स्टोन के साथ यहाँ पर भी वर्क किया गया। आपको आपके घर से जो व्यू देखने को मिलेगा वो मैं आपको बताऊँ कि आपको कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा दरिया हाइट्स, और इस साइड पर हम राइट साइड पर देखें तो यहाँ से आपको आपके जो कंस्ट्रक्शन हुई घर पर आपको सारी स्ट्रीट पर नज़र आ रही होगी। बहुत ज़्यादा आबादी हो चुकी है प्रेजेंट एट के अंदर भी, आप देख सकते हैं कि हर तरफ आपको घर बने हुए नज़र आते हैं। अगर आप ये विला बाय करना चाहते हैं या बेडरूम कराची के अंदर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट जरूर लिख कीजिएगा, और इसी के साथ यासिर को फोटो दीजिए। अल्लाह हाफिज़।